आज मैं मूंग दाल की बर्फी बनाऊंगी बिना भिगोए। बहुत आसानी से इस बर्फी को आप बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार में बना लें। त्यौहारों में ज़्यादा मिठाइयों की मांग होने की वजह से बाज़ार में मिलावटी मिलती हैं, तो आप अपने घर पे बनाएंगे बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट की मिठाई घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। मैं एक बर्तन में 1.5 कप मूंग दाल ले रही हूँ। धुली हुई दाल है, आप कटोरी ले लें या ग्लास ले लें, उसी बर्तन से पूरी रेसिपी संभाल लेंगे एक ही बर्तन से, तो मिठाई बढ़िया बनेगी। 1.5 कप मूंग दाल ली हूँ, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है धुली हुई मूंग दाल, बिना छिलका वाली लें। इसे 3-4 बार पानी से धोएंगे, इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है ना उसे निकाल दें, ऐसे हाथ से मलेंगे तो जो सफ़ेद पानी है ना निकल जाएगा। कम से कम 4 बार धोएंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। जब ऐसे साफ़ हो जाए दाल, तब इसे छन्नी में पलट लें, जो मैं पलट दे रही हूँ। 1 मिनट के बाद इसे हम सूती कपड़े पर डालकर पोंछ लेंगे, नहीं तो दाल फूल जाएगी। चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे सूती कपड़े पर डालकर पोंछेंगे ना तो बिल्कुल सूख जाती है दाल। इस मिठाई को बनाना बिल्कुल आसान है, फटाफट आप बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पर बना लें, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, या कभी हल्का फुल्का मीठा खाने की इच्छा हो तब भी घर पर बना सकते हैं, क्योंकि घर के बनी मिठाइयाँ बिल्कुल शुद्ध होती है। आप अपने हाथ की बनी मिठाइयाँ घर में सबको खिलाएंगे, सब पसंद करेंगे। तो दाल बिल्कुल फरहरी हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत गीली लगे ना तो 10 मिनट पंखे के नीचे रख दें, लेकिन अगर सूती कपड़े से पोंछेंगे तो बिल्कुल सूख जाती है। अब हम एक कढ़ाई में डाल देंगे, पंखे के नीचे नहीं रखी हूँ, अच्छे तरीके से पोंछ ली हूँ ना, तो पंखे के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलते हैं गैस की तरफ। अब मैं कढ़ाई को गैस पर रख दे रही हूँ, धीमी आंच पर इसे 7-8 मिनट तक भून लेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसे अभी खा के देखेंगे ना तो ये दबेगी दाल, कटेगी नहीं। जब ये भून जाएगी ना तो कुरकुरी हो जाएगी, अगर खाएंगे तो बिल्कुल करारी लगेगी, सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है। हल्का सा ये भुनी है, अभी कलर चेंज नहीं हुआ है, लगातार चलाते जाएंगे। थोड़ा सा भारी तले के कढ़ाई लेंगे ना तो भूनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और ज़्यादा डार्क कलर ना करें, नहीं तो मिठाई का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब भुन चुकी है हमारी दाल, आप कलर देख पा रहे होंगे। गैस बंद करके इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडी हो जाए दाल तब हम इसे पीसेंगे। ठंडी हो जाएगी बहुत आसानी से इसका आटा तैयार हो जाता है। अब मैं गैस पे दूसरी कढ़ाई रखी हूँ, इसमें 800 ml दूध डाल दे रही हूँ, ताज़ा दूध है। आप चाहे तो पहले उबला हुआ भी दूध ले सकते हैं, 800 ml दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट का दूध है। गाढ़ा दूध रहेगा तो मावा अच्छा पड़ेगा, आप चाहें तो पहले से मावा बनाकर रखे रहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं अभी अभी बना ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं अगर दूध ना डालें तो। जब तक दूध गाढ़ा होगा दाल भी हमारी ठंडी हो रही है, पीस लेंगे इसे। गैस के फ्लेम में लो करी हूँ, धीरे धीरे दूध गाढ़ा हो जाएगा, बीच बीच में दूध को चलाते जाऊँगी, नहीं तो कढ़ाई के तले में पकड़ लेगा। तब तक दाल का आटा मैं तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया, इसे छान लेंगे। भुनी हुई दाल रहती है बहुत आसानी से पिस जाती है, अच्छी मिक्सी रहती है तो बढ़िया आटा बनता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं निकला, आटा हमारा तैयार हो गया है, और मैं दूध भी बीच बीच में चेक कर रही थी, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, दूध को आधा करना है, 400 ml दूध में बचाई हूँ, थोड़ा भी और गाढ़ा करेंगे और कम हो जाएगा। ये देखिए इसे धीमी आंच पे चलाते जाएंगे और साइड से मलाई छुटाते जाएंगे। मैं दाल के चक्कर में पड़ गई तो थोड़ा सा मलाई साइड में लग गई है। इसे मैं दूसरे चूल्हे पर रख दी हूँ दूध को, और दूसरी कढ़ाई रख ली हूँ, इसमें मैं 1/2 कप घी डाल दे रही हूँ, लगभग 130 ग्राम घी है। घी की बनी मिठाई बहुत टेस्टी होती हैं, तेल का स्वाद अलग ही आता है, तेल ना डालें घी में बनाएं। और जो आटा भी तैयार करी थी इसे डाल दे रही हूँ, एकदम महीन पिसा हुआ है, थोड़ा सा आटा उड़ रहा है। और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 4-5 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि पहले के दाल भुनी हुई है, कच्ची नहीं है। थोड़ा सा घी के साथ भून लेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा।
गैस का फ्लेम लो करके भूने ताकि आटा जले ना, अच्छा टेस्ट आ जाए। लगातार चलाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी घी छोड़ रहा है और कलर भी चेंज हो गया है। इस तरीके से जब हो जाए तब गैस बंद कर दें और इसे उतार लें। अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ लेकिन थोड़ा और चला दे रही हूँ क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, घी भी गर्म है, तो नीचे की तरफ आटा का कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए थोड़ा चला लें। अब मैं दूध वाली कढ़ाई रख ली हूँ और काफ़ी गाढ़ा हो गया है मावा, ये ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और जो अभी दाल के आटा भूनी हूँ उसे भी मैं डाल दी हूँ दूध में। इसी वक्त हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। जिस कप से 1.5 कप मैं मूंग दाल ली हूँ उसी कप से 1.5 कप चीनी ले ली हूँ। मीठा थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 कप और डाल दे रही हूँ। अगर कम पसंद मीठा करते हों तो 1-2 चम्मच चीनी निकाल लें, ज़्यादा पसंद करते हों तो 1-2 चम्मच और डाल दें, लेकिन इतना मीठा ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा। और मिला लेंगे धीमी आंच पर 4-5 मिनट बाद। धीरे धीरे चीनी जब गलती है तब ये और पतला हो जाता है। अगर चीनी गलाने में कोई दिक्कत हो ना तो 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। 5-6 मिनट तक लगातार चलाते जाएंगे धीमी आंच पे, चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो दूध या पानी 2-3 चम्मच डाल दें, नहीं तो दूध पतला रहता है तभी डाल देंगे तो चीनी गलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कढ़ाई का तला ये मिक्स छोड़ने लगा है, चीनी भी अच्छे तरीके से गल गई है। जब चीनी गल जाती है ना तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। बढ़िया से हमारा ये मिक्स तैयार हो चुका है। थोड़ा सा निकालेंगे कटोरी में, 1/2 मिनट ठंडा करके गोली बनाकर देखेंगे। अगर अच्छे से गोली बन जाए हाथ में ना चिपके तब उतार लें नीचे। अगर ये गीला लगे तो थोड़ा सा और पका लें। धीमी आँच पर एकदम गाढ़ा हो चुका है इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। एकदम सॉफ्ट बनती है मिठाई, ये देखिए कितना नरम लग रहा है। इसे मैं नीचे उतार ले रहा हूँ। जिस थाली में या बर्फी के ट्रे में सेट करना उसमें घी या तेल लगा लें ताकि जब पीस काटें तो आसानी से निकल जाए। अगर यह बर्फी के वीडियो आपको जरस भी पसंद आ जाए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो इसे मैं बराबर कर दे रही हूँ। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी तो पता चले कि हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। मुझे बहुत ताकत मिलती है आप लोग जब प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं तो बहुत खुश होती हूँ। इसको बिल्कुल चिकना कर देंगे और बारीक काट के मैं काजू लगा दे रही हूँ। आप काजू, बादाम, पिस्ता जो समय से उपलब्ध हो वही लगा देंगे थोड़ा अच्छा लुक के लिए, ताकि देखने में भी मिठाई अच्छी लगे। आप एक बार ज़रूर इस मिठाई को ट्राई करें, आपके फैमिली में सब पसंद करेंगे। बनाना भी आसान है। त्योहारों में मिठाइयाँ घर पर बनाएँ, बहुत अच्छी लगती है खाने में। बिना मिलावट के शुद्ध मिठाई घर पर तैयार होती है। इसे ऐसे छोड़ देंगे 2-2.5 घंटे के लिए। लगभग 2.5-3 घंटा हो गया। अब मैं पीस काट दे रही हूँ। थोड़ा छोटी बड़ी पीस काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इस मिठाई को 15 दिन तक रखकर खा सकते हैं बिना फ्रिज के। मावा के जगह आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। जब आटा भून जाएगा थोड़ा ठंडा हो जाए तब डालें, नहीं तो जल जाएगा घी के साथ मिल्क पाउडर। तब आप चाशनी बना लें। जैसे 1.5 कप चीनी ले रहे हैं तो 1/4 कप पानी डाल दें। 1 तार की चाशनी बनाकर भुना हुआ आटा डाल देंगे और इकट्ठा होते तक आप इसे पका लेंगे। ऐसे सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे अभी मैं चेक करके दिखाई ना, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ, हमारी मिठाई हो गई है तैयार। आप मूंग दाल की बर्फी बना रहे हों तो आपकी बर्फी कैसे बनी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें प्लीज़। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।